रामनगर के विकास खंड सभागार में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने जनता की समस्याओं को सुनते ही कुछ समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारियों से मौके पर ही निस्तारण कराने के साथ ही अन्य समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में 80 से अधिक लोगों द्वारा पेंशन, सिंचाई नहर, गूल, बिजली, सड़क की समस्याओं को रखा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी समस्याओं का तय समय सीमा पर प्राथमिकता से समाधान करें। वहीं रामनगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा मासूमों और गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के मामले में उन्होंने CMO डॉक्टर भागीरथी जोशी को निर्देश देते हुए कहा कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ टीम का गठन कर शीघ्र अभियान चलाकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, रोस्टर के हिसाब से हर महीने DM को जाना होता है तहसील दिवस में, जो मंगलवार आपका प्रथम आता है, तो उस हिसाब से हम लोग आए हैं रामनगर में। और अभी तक लगभग 80 के करीब शिकायतें हमारी दर्ज हुई हैं, और मैक्सिमम शिकायतें पेंशन को लेके हैं, गूल को लेके हैं, और आपके बिजली विभाग से रिलेटेड शिकायतें हमारी हैं। उसमें अधिकांश शिकायतों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी धनराशि से जिनमें हम लोग काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि आप तुरंत इसका एस्टीमेट हमें प्रस्तुत कर दें और 10-15 दिन के अंदर उसमें धनराशि भी हम स्वीकृत करके जारी करें। मंगलवार को रामनगर में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने ब्लॉक पहुंचकर विकासखंड कार्यालय में सभागार में तहसील दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि आज तहसील दिवस के अंदर 80 से अधिक समस्याएं दर्ज हुई हैं, जिसमें पेंशन, सड़क, गूल और बिजली, सड़क जैसी कई समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान अधिकारियों के माध्यम से कराया गया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करें। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने रामनगर में फर्जी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर CMO को आदेश दिए हैं कि जो लोग मासूम मरीजों के, गरीबों और मासूम मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे चिकित्सालयों और चिकित्सकों को चिन्हित कर अगर इस प्रकार के फर्जी क्लिनिक पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने CMO को दिए हैं। और मामले में CMO भागीरथी जोशी ने भी बताया कि रामनगर में जिस प्रकार की शिकायतें मिली हैं, इसको लेकर टीम का गठन कर दिया गया और शीघ्र ही इस प्रकार के झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी के आदेशों का पालन अधिकारियों पर कितने खरे उतरते हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।